चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मुगलों के बादशाह बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की संस्थापना के साथ ही पद पातशाही की संस्थापना भी की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगाना के शासक थे। बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में सन 8 जून 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे तब तक के कोई तैमूल शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरात, अस्करनी और हिलाद। बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण किया था पानीपत के युद्ध से पूर्व। मेदिनी राय खंगार चंदेरी राज का राजपूत शासक था। वह राणा संगा के सबसे प्रतिष्ठित सेना नायकों में से एक थे। 1528 ईस्वी में मेदिनी राय खंगार और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी रहा था और मेदिनी राय को मार दिया गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूत के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी और वह युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए थे। महिलाओं ने जौहर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। कहा जाता है कि खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नज़र एक चंदेरी पर पड़ी थी। उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से वहां का महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश रखी थी, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी नहीं हुआ था। तब बाबर ने किला युद्ध के जीतने की चेतावनी दी थी। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह किला बाबर के लिए काफ़ी महत्व रखता था। बाबर की सेना में हाथी, तोपों और भारी हथियार थे, जिन्हें लेके वे पहाड़ियों के पार जाना दुष्कर था और पहाड़ियों के नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता, इसीलिए राजा अस्तित्व और निश्चित था कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबर अपने निश्चय पे अड़ा रहता है और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी के काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला। उसकी सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट डाला, ऐसे एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उनकी पूरी सेना और साजो सामान ठीक किले के सामने पहुंच गए। बस तभी मारकाट प्रारंभ हो गया था, युद्ध प्रारंभ हो गया था। यही युद्ध लड़ते लड़ते मेदिनी राय जी वीरगति को प्राप्त हो गए। मेदिनी राय जी के वीरगति प्राप्त होने के बाद उनकी जो महल के महिलाएं सारी थी, सैनिक की महिलाएं और उनकी पत्नी जो थी रानियाएं, वो सब जौहर के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया था। जौहर में होता क्या है, एक बहुत बड़ा हवन बनाया जाता है जिसमें सारी महिलाएं एक एक करके आग में समा जाती हैं। तो इस तरह बाबर ने चंदेरी का युद्ध को बहुत ही अच्छी तरह से जीता। उसके बाद बाबर ने एक और युद्ध लड़ा था अफगानों के विरुद्ध, जो कि घांगरा का युद्ध के नाम से विख्यात था। उस युद्ध के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर कुछ ज्ञान अर्जित करती होगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस कुछ ज्ञान अर्जित थोड़ी सी भी होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको भी पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।